पन सुख रोड का प्रोजेक्ट सीवर निर्माण में लाया हो छत्ती बिरादरी की चौपालों का नव निर्माण कराया हो मुँह तह बोले बोलत नहीं सारे पुगा दी रे मुँह तह बोले बोलत नहीं सारे पुगा दी रे हो राम निवास सुरजा खेड़ा तन ढूंढे ठा दिए रे हो राम निवास सुरजा खेड़ा तन ढूंढे हो पन सुख रोड का प्रोजेक्ट सीवर निर्माण में लाया हो छत्ती बिरादरी की चौपालों का नव निर्माण कराया हो मुँह तह बोले बोलत नहीं सारे पुगा दी रे मुँह तह बोले बोलत नहीं सारे पुगा दी रे हो राम निवास सुरजा खेड़ा तन ढूंढे ठा दिए रे हो राम निवास सुरजा खेड़ा तन ढूंढे ठा दिए रे पाइप रखा किसान का मानत ने देश भक्ति मन में और फौजिया का क्रास मानत ने नरवाड़े शहर में आके तन रंग लगा दिए रे नरवाड़े शहर में आके तन रंग लगा दिए रे हो राम निवास सुरजा खेड़ा तन ढूंढे ठा दिए रे हो राम निवास सुरजा खेड़ा तन ढूंढे ठा दिए रे सुन लेना तेरे बरगा कोई पाया गौआ की करके सेवा हिंदुआ का मान बढ़ाया तन छत्ती बिरादरी के लोगों के साथ निभाती रे छत्ती बिरादरी के लोगों के साथ निभाती रे हो राम निवास सुरजा खेड़ा तन ढूंढे ठा दिए रे हो राम निवास सुरजा खेड़ा तन ढूंढे ठा दिए रे नेत्रे कामा मैं खूब टांगेड़ाई मनोर लाल खट्टर ने कामा की आ रेल चलाई तू सब का लाडला नेता सबके दुख मिटा दी रे तू लाडला सबका नेता सबके दुख मिटा दी रे हो राम निवास सुरजा खेड़ा तन ढूंढे ठा दी रे हो राम निवास सुरजा खेड़ा तन ढूंढे ठा दी रे सीएम साहब से अप्रूवल लेके आज दिखाई गई है इस रोड को भी मंजूरी मिल जाएगी और देख सकते हैं विधायक जी ने जो गांव बेलरखा से अमृतसर की तरफ बहुत ज़्यादा गंदा रोड था और बेहाली का हाल था यहां पर और आज कहीं ना कहीं विधायक जी यहां पर रोड को पक्का करवाने के लिए मंजूरी लेके आए तो भाई आज नरवाना के जो विधायक है बेलरखा गांव में पहुंचे थे और लगातार नरवाना के विकास करते आ रहे हैं और बेलरखा के कुछ मांगे थी उनको भी पूर्ण किया और करोड़ों रुपए के जो कार्य है वो चल रहे हैं। हाँ जी सरपंच साहब क्या कुछ कहना चाहोगे आज विधायक जी पहुंचे हैं क्या कुछ मांगे थी आपकी? देखिए दो तीन मांगों पे फोकस किया गया तो ये अमृतसर रोड से लेकर काली माता के मंदिर तक लगभग एक किलोमीटर का फासला है रास्ता है इसको पक्का करके दोनों साइड में नाले बनाने की बात हुई तो विधायक जी ने बताया कि इसको मैंने मंजूर करवा दिया है। और भी कोई एक हमारी फिरने की थी जो स्कूल के पीछे से जाकर पुंजो के सहारे से फिर सुरजाखेड़ा रोड में फिरनिंग की है तो इनका भी इन्होंने कहा है कि फिरनी का भी वहाँ पर हो गया है। और तीसरी जो मांग थी कि गांव में जो अभी अनाज मंडी है वो जर्जर हालत में कंक्रीट है वो भी फट गई है और जो ईंटें लगी थी वो भी ख़राब हो गई हैं जर्जर हालत में तो
उनको बताया कि भाई साहब को, विधायक जी को, कि भी दोबारा से इनको कंक्रीट है जहाँ कंक्रीट लगाई जाए और जहाँ से ईंटें घट गई हैं दोबारा से ईंटें लगाई जाए और उसको पक्का किया जाए। तो उसकी बात उन्होंने कह दिया कि ये बात हो जाएगी। तो लगभग दो तीन मांगे सागरी मांगी थी उन्होंने हामी भरी है और कुछ मांगों को सिरे चढ़ा भी दिया। तो सर नरवाना का लगातार विकास हो रहा है, सबसे ज़्यादा नरवाना में अगर गांव की बात करें शहर में सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है। और अगर बात करें आप भी इस गांव में बहुत बढ़ चढ़ कर जब से सरपंच बने हो से बहुत ज़्यादा कार्य आपके कार्यकाल में देखने को मिल रहे हैं, तो उसी तरह से विधायक जी कर रहे हैं, क्या आगे की उम्मीद जताई जा रही है विधायक को लेकर? देखिए भाई साहब, अगर ऐसा काम करते रहेंगे ये तो गाँव लोग तो क्या काम चाहते हैं। बिल्कुल, अगर काम होगा तो उसको आगे भी मौका मिलेगा। रही बात, हमने तो एनुअल फंक्शन है हमारा, लाइब्रेरी है हमारे गांव में बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं बच्चे, तो उसका एनुअल फंक्शन है सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल। बिल्कुल जी, 18 तारीख को उसका भी इन्विटेशन भाई साहब को दे दिया, हमने एक्सेप्ट भी कर लिया और कभी ना कभी मौका मिलेगा। तो एक भाई साहब ने एक बात रखी है कि भी पूरे गाँव को इकट्ठा करके दरवाजे पर इकट्ठा करके जो भी गाँव की साजिली मांगे हैं, जो भी दिखते हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनका आप लिखो और मेरे सामने प्रस्तुत करो, मैं उनको निवारण करने का काम करूंगा, ऐसा आश्वासन भाई साहब ने आज दिया। एक और बात समझ में सामने आई है जी, विधायक जी को गांव के बड़े लोगों ने ऐसे कहा है, विधायक जी ऐसे है एक बॉल पर चले आते हैं भाई, कोई भी काम हो मतलब वो करवा देते हैं एक बॉल पर। सर नहीं, अच्छी बात है ये, तो आपके गांव के लोगों ने बोला जी। नहीं नहीं, अच्छी बात है, अगर ये बात है तो अच्छी बात है, मैं कहूँगा गुण होना चाहिए ऐसा, विधायक तो ऐसा होना चाहिए गांव में हर घर घर झोपड़ी झोपड़ी हर आदमी के लास्ट आदमी तक जाए, वो अच्छा रहे। हाँ जी, विधायक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये जो रास्ता है बेलरगा से अंबरसर काफ़ी पुरानी इनकी मांग थी और कहीं ना कहीं आज आपने मांग भी ली है और करोड़ों रुपये के जो विकास के कार्य है आपके कार्यकाल में चले हुए, क्या कुछ कहना है? देखो आज गाँव में प्रोग्राम था कालापत्ती में और फिर सरपंच साहब ने कुछ जो पूरा गांव की जो सामूहिक दिक्कत थी, समस्या थी, वो उस पर भी डिस्कस हुआ हमारा। और एक मैंने जैसे सरपंच साहब ने भी बताया कि हमारा ये गांव बेलरखा से लेकर अंबरसर का 1.5-2 किलोमीटर का टुकड़ा है जो पानी ठहरता है जिसकी वजह से बहुत परेशानी है, तो ये हमने इसका एक्शन साहब को और कल मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके ना, कल मैंने खुद 16.5 करोड़ रुपए के जो नरवाना के काम थे PWD के वो दिए हैं और इसका जल्दी ही काम टेंडर शुरू हो जाएगा, इसकी समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरी थी कि जैसे सीज़न आता है मंडी में, मंडी की दिक्कत है, ये भी मंडी का भी हमने 12 मंडी दिया, मैंने 12 मंडी में जिसमें 4.21 करोड़ तो मेला मंडी में आ चुके हैं, काम शुरू है टेंडर, उस टाइम मेरे ख्याल आप भी थे पत्रकार जी, बिल्कुल जी, तो वहाँ काम स्टार्ट हो चुका है। और इसी तरह मेरा बिलरखा का है और खड़ का है, फूलियाँ का है, दमतान का है और गड्ढी का है और धनोरी का भी टेंडर लग चुका है 7.5 करोड़ का जी। तो इस तरह सारी समस्या थी, सारी मैंने 12 की 12 मंडियाँ भी दी हुई है और भी जितनी भी और भी कुछ समस्या जितनी भी होगी हमने कहा है सरपंच साहब से रिक्वेस्ट करी है, पूरे जितने हमारे दादाजी खड़े पड़े, तो सबसे जितने गांव का मैंने कहा कि एक अपना जो बड़ा दरवाज़ा है हमारा गांव का, बड़ा गांव का, जिसमें सारा वहां सामूहिक जो भी फंक्शन है जैसे होते हैं वहाँ सारा गाँव इकट्ठा, जो भी कोई काम की दिक्कत है और सब मुझे बताए ताकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लें और उनको उनका समाधान करवाएँ। ठीक है जी।